हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम अवतार सिंह एंड आप अपने लास्ट वाले चार वीडियो लैक्चर्स दे विच एपी रिलेटेड आलमोस्ट सारे सम्स कर ले। ठीक है, सो हुण आपां अज दे लैक्चर विच स्टार्ट करांगे जीपी तो, दैट मीनस ज्योमैट्रिक प्रोग्रेशंस। सो आपां स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली आपां जीपी जाने की ज्योमैट्रिक प्रोग्रेशंस दा थोड़ा जिहा बेसिक्स करेंगे, तो आपां इस दा कंपैरिजन करके स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन करते हैं आपां इस दा एपी नाल, बिकॉज़ ये तुहानूं चंगे तरीके आउंदी है अरिथमैटिक प्रोग्रेशंस। सो एपी दे विच अपने कोले की हुंदा सीगा, कॉमन डिफरेंस, यही चीज हुंदी सी जिस दे विच अपने कोले कॉमन डिफरेंस आ रहा हुंदा सी टर्म्स दे विच, तां आपां उसनूं की बोल दिंदे सी, एपी सीरीज बोल दिंदे सी। बट इस की चीज होएगी, कॉमन रेशियो। ठीक है, जीपी दे विच आपां नूं मिलेगा कॉमन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, एक आपां एग्जाम्पल भी लै लैंदे हां। सपोज कर लो अपने कोले एपी दी एग्जाम्पल हैगी है जिवें 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये अपने को एपी है बिकॉज अपने को इन्हों टर्म्स जाने कि ए टू माइनस ए वन किन्ना है, कॉमन डिफरेंस डी, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू किसद है, ए थ्री माइनस ए टू किसद इज इक्वल टू है, ए फोर माइनस ए थ्री अप टू सो ऑन, इस तरीके। एंड जेकर आप इस गल करिए, मैं इतने लिखा कॉमन रेशियो। सो जिमें कि इतने आप डिफरेंस नू डी नाल डोनेट किया, रेशियो नू किस नाल डोनेट करांगे, आर नाल। पहला आप एग्जाम्पल लै लीए, एग्जाम्पल विच मैं लिख दिना 2, 4, 8, 16 अप टू सो ऑन। सो हुण देखो जी, बिल्कुल उस तरह यह फर्स्ट टर्म आ ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, तो मैं कॉमन रेशियो की गल कर रहा, ए टू अपॉन ए वन, ए टू अपॉन ए वन, उस तो बाद ए थ्री अपॉन ए टू, ए फोर अपॉन ए थ्री अप टू सो ऑन। सो इस तरीके हम देखो वैल्यूज पुट करके देख लें, ए टू अपने को कितनी है 4, ए वन कितनी है 2, सो 4 अपॉन 2, उस तो बाद इहदा आंसर आ रहा अपने को 2। एंड जेकर आप ए थ्री अपॉन ए टू करिए, 8 अपॉन 4, सो इसका भी आंसर अपने को कितना आ रहा 2। एंड जेकर आप ए फोर अपॉन ए थ्री करिए, यानी कि 16 अपॉन 8, इसका आंसर भी अपने को कितना आ रहा 2। सो अपने कॉमन रेशियो यानी कि आर कितनी आ रही है 2। सो जिसकी अपने कॉमन रेशियो इक्वल आ रही होगी, तो उसनों आप बोलेंगे यह जीपी सीरीज है। ठीक है, एंड हुण आपां कुछ इसके फॉर्मूले भी कर लेने हैं, जिवें कि आपां एपी दे केस विच कीते सी, उवें जीपी दे फॉर्मूले एंथ टर्म कढ़न दा जां सम ऑफ एन टर्म्स दा। ओके, तो इस केस विच आपां कीता सी एंथ टर्म कढ़न दा फॉर्मूला। फर्स्टली एंथ टर्म कढ़न दा फॉर्मूला आपां कीता होया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही कीता होया। एंड जेकर आपां इत्थे करिए एंथ टर्म कढ़न दा फॉर्मूला, जिवें इसनूं याद रख्या सी, इसनूं भी याद ही रखना पैना, nth term is equals to a r raised to power n minus 1, so a is the nth term ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮਸ, ਸੋ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ sn is equals to n upon 2, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧਾ a plus l, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾ ਕੇ sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, ये अपन सम दा लिखते सी ap दे केस विच। ओके, एंड जेकर gp दी गल करिए, gp च की आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स अपने को आ जाएगा a r raised to power n minus 1 upon r minus 1। ठीक है, जां आप इसनूं और पा के इदां भी लिख सकते हैं, और पा के आप इसनूं इदां भी लिख सकते हैं, और सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए, वन नूं पहलां लिख लीए 1 माइनस आर इज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, नीचे भी 1 माइनस आर। ओके, सो जां ए भी लिख सकते हैं, ये दोनों अपने कोले फॉर्मूले किसदे है, जीपी दे सम कढ़न दे। ठीक है, सो हुण आपां नूं जीपी दे बेसिक्स बारे नॉलेज हो चुकी है, जिहड़ी सीकुएंस जां जिहड़ी सीरीज दी अपने कोले रेशियो कॉमन आ रही हो जां सेम आ रही हो, उस सीकुएंस नूं आपां की कह देंगे इह जीपी है जां ज्योमैट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इस दे विच आपां जिहड़े फॉर्मूले कीते है, एंथ टर्म कढ़न दा फॉर्मूला हुणे करके हटे हैं, ज्यादा ना ए आर एज टू पावर एन माइनस वन। ओके, ए अपने कोले की है फर्स्ट टर्म, आर की है कॉमन रेशियो, एन की है नंबर ऑफ टर्म्स। एंड जिहड़ा दूसरा फॉर्मूला आपां कीता है
sum of n terms ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ a ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਟਰਮ r raised to power n minus 1 upon r minus 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਓਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ r ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਐਂਡ a ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ सो अपने को जी पी का फर्स्ट सम गिवन है फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ जी पी 5, 25 and 125 अप टू सो सो यह आप जी पी दी हुई है इसकी आप टेंथ टर्म कैलकुलेट करनी है हाँ जी तो आप कैलकुलेट करना ए टेंथ ठीक है सो अपने फॉर्मूला याद आ हूँ आप करके हटे हैं कि सी फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए आर इज टू पावर एन माइनस वन ठीक है यही फॉर्मूला सी हाँ जी तो इतने अपने को एन की वैल्यू कितनी है 10 ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म यानी कि 5 आर की वैल्यू अपन हजे नहीं पता सो पहला आप आर की वैल्यू कढ़ लीए सो इतों आप एक बार लिख लीए अपने को गिवन चीज की है ए इज इक्वल टू हैगा 5 आर अपने को आ जाएगा ए टू अपॉन ए वन सो कि आ जाएगा 25/5 सो यही आ जाएगा 5 अपने को आर की वैल्यू भी कितनी आ गई 5 सो हुण आपां फॉर्मूले दे विच पुट कर दिंदे आं एंड अपना आंसर आ जाएगा ए 10 इज इक्वल टू ए दी जगह ते की पुट करांगे 5 इनटू आर दी जगह ते की पुट करांगे 5 एंड एन माइनस 1 एन दी वैल्यू अपने कोल कितनी है 10 सो 10 माइनस 1 सो यह अपने कोल आ जाएगा 5 इनटू 5 रेज टू पावर 9 इस नूं आपां इदां भी छड सकदे आं 5 raised to power 10 आंसर ठीक है अपने को ए 10th वैल्यू किड़ी आ गई 5 raised to power 10 एंड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है विच टर्म ऑफ जी पी 2832 अप टू एन टर्म्स इज 131072 हाँ जी तो जिहड़ा आह वाली टर्म आ यह इस जी पी की किन्नवी टर्म होएगी ये आप दसना ओके सो फर्स्टली अपन गिवन की है एक जी पी सीरीज दी हुई है इस दे विच अपन की कुछ दिता हुआ ए की वैल्यू अपन पता कि है 2 ए जा ए 1 ओके फिर उस तो बाद आपां की कढ़दे हुंदे आ कॉमन रेशियो सो कॉमन रेशियो अपने कोल कितनी आ जाएगी 8/2 ए 2/A1 सो कितनी आ जाएगी 4 सो अपने कोल आर दी वैल्यू भी पता लग गया 4 है ए दी वैल्यू भी पता सी 2 है सो हुण आपां की करदे आ जिहड़ी इह वाली टर्म आ इस नूं लेट करके चल पैंदे आ वी इह लास्ट टर्म आ तां जो आपां एन दी वैल्यू कैलकुलेट कर सकीए सो आपां इस नूं लेट कर लैंदे आ let a n जहां पर कह सकते हैं nth term is 131072 सो आप फॉर्मूला लगा देने हैं फॉर्मूला अपने को की आ जाएगा a n is equals to की फॉर्मूला सी a r n minus 1 यही सी का ना सो इस विच वैल्यूज पुट कर देने हैं a n दी जगह ते की लिख दिए 131072 is equals to a दी जगह ते 2 इंटू आर की जगह पर 4 एन माइनस 1 एन आप पता नहीं ठीक है एन की तो आप वैल्यू कैलकुलेट करनी ओके सो यह 2 ये नीचे आ जाएगा एक बार आप डिवाइड भी कर लीए कि बन जाएगा 2 ना डिवाइड होके 131072 2 नीचे आ जाएगा ना जी मैं इतने कर दिना एक बार सो यह 2 इस नीचे आ जाएगा सो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 2 या 12 1 1 इतने 5 इतने 10 इतने 1 इतने अपने को आ जाएगा 5 इतने फिर 0 इतने आ जाएगा 36 6 5 5 3 6 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर एन माइनस 1 आप की करांगे इस दे आप फैक्टर्स बना लेंगे एंड उस तो बाद इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कन्वर्ट करके कंपेयरिंग कर देंगे सो फर्स्टली आप इस की करांगे 6 5 5 3 6 इस नूं आपां 4 ते इस तरीके करके देखांगे फर्दर सो अपने को आ जाएगा ये मैं पहले कीता हुआ सो यह आ जाएगा 4 raised to power 8 इज इक्वल टू 4 raised to power n-1 ठीक है सो इस नूं आपां की कर सकते हैं कंपेयर हो सकती है ना बिकॉज अपने को पावर बेस सेम है दोनों दे सो कंपेयरिंग वी गैट आप इतने लिख दें कंपेयरिंग वी गैट एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को एन माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 8 तो एन की वैल्यू आ जाएगी अपने को 9 ये अपना
आंसर रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अपन थर्ड क्वेश्चन गिवन है, इन जीपी द थर्ड टर्म इज 24, सिक्स टर्म इज 182 एंड फाइंड टेंथ टर्म। तो फर्स्टली अपन nth टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख लेने हैं कि इसी अपने को फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए आर इज टू पावर एन माइनस वन, यही फॉर्मूला सी। हाँ जी, तो हम देखो अपन गिवन की है, थर्ड टर्म इज 24 मीन्स टू से ए थ्री कि दी हुई अपन 24। ओके, सो हम इसमें आप लिख सकते हैं फॉर्मूले एन की जगह से थ्री पुट करके देखते हैं कि बन जाएगा ए आर एस टू पावर थ्री माइनस वन। सो ए थ्री आप लिख सकते हैं ए आर एस टू पावर टू। ठीक है, सो इत आप पुट कर दें ए आर एस टू पावर टू इज इक्वल टू 24। सो इतों अपने को वैल्यू बना लें, ए की वैल्यू कि आ जाएगी ए इज इक्वल टू 24 अपॉन आर स्क्वेयर, यही वैल्यू आ गई। इसमें आप फर्स्ट का नाम दे दें। ठीक है, सो सिमिलरली हम आप सैकेंड पुट करते हैं, अपन की दिता हुआ सिक्स टर्म इज 192 दैट मीन्स ए सिक्स अपन दिता हुआ 192। सो हम आप इस भी कि लिख सकते हैं, इतने आप सिक्स पुट करके देख लियो, इतने हो जाएगा सिक्स माइनस वन यानी कि ए आर एस टू पावर फाइव इज इक्वल टू 192। सो इतों भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ए की वैल्यू कि आ जाएगी 192 अपॉन आर एस टू पावर फाइव। ओके, इतों अपने को सैकेंड वैल्यू आ गई। सो हम ए भी ए की वैल्यू है, यह भी ए की वैल्यू है, दोनों एक कोल रख दिए। सो अपने को आ जाएगा फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू अपने को वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 192 अपॉन आर एस टू पावर फाइव। हाँ जी, तो आप इदा करते हैं आर वाली टर्म्स अलग कर लें एंड कॉन्सटेंट टर्म्स अलग कर दें। सो यही अपने के लिए हो जाएगा आर एस टू पावर फाइव अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 24। ओके, सो इस नाल अपने को पावरस कट आउट हो जाएगी, एक रह जाऊगी थ्री। सो आर एस टू पावर थ्री इज इक्वल्स टू आ गया अपने को कट्टे जाते आपस में 24 8 जा देखो किन्ने दे 32। हाँ जी, तो बिल्कुल सही, यह अपने को 8 से कट हो रहे हैं। सो आर क्यूब की वैल्यू आ गई अपने को 8 एंड आर की वैल्यू कि आ जाएगी 2, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी ना। सो हूँ आप ए की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें, आर की वैल्यू इतने पुट कर दें, ए कि आ जाएगी ए इज इक्वल टू 24 अपॉन आर स्क्वेयर यानी कि 4। सो ए की वैल्यू अपने को आ जाएगी 6। हाँ जी, हूँ अपने को ए की वैल्यू भी हैगी है एंड आर की भी। सो हूँ आप ईजली कैलकुलेट कर सकते हैं ना टेंथ टर्म। सो लगाने फॉर्मूले दे, अपने को हो जाएगा ए टेंथ इज इक्वल टू, टेंथ टर्म इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू कि है 6 इन टू आर, आर की वैल्यू कि है 2 एन माइनस वन, एन कि 10 माइनस वन। सो यही हो जाएगा 6 इंटू 2 रेज टू पावर 9। सो इसमें आप फर्दर सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा, जो आप इसमें इदा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 है ना इंटू 2 रेज टू पावर 9, तो फर्दर अपने को हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू पावर 10, यही भी अपना आंसर आ जाएगा, इतने भी छड़ सकते हैं। ठीक है, एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सम रिलेटेड है, सम ऑफ एन टर्म्स वाला फॉर्मूला लगावेंगे, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ जोमैट्रिक सीरीज दिस वन। अपन एक जोमैट्रिक सीरीज दी हुई है, तो इस फर्स्ट फाइव टर्म्स का सम कैलकुलेट करना। तो फर्स्टली आप फॉर्मूला लिख लीजिए, सम का फॉर्मूला की सीगा एस एन इज इक्वल टू ज्यादा ना ए वन माइनस आर एस टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर, यही फॉर्मूला सीगा ना स्टार्टिंग आप लिखा सी। सो आप इतने एन की वैल्यू कि पुट करनी है 5। हाँ जी, तो अपने को किन्ना गिवन है, ए की वैल्यू है अपने को 1। ओके, कॉमन रेशियो कि अपने को ए टू अपॉन ए वन या ए थ्री अपॉन ए टू। सो कि आ जाएगी अपने को कॉमन रेशियो 2/3 अपॉन ए वन। सो यही अपने को आ जाएगी आर इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, आप इन दोनों डिवाइड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके,
सो हुण आपां वैल्यूज पुट कर दिंदे आ इत्थे। सो अपने कोल आ जाएगा एस फाइव इज इक्वल्स टू ए, ए दी वैल्यू किन्नी है वन इंटू वन माइनस आर इज टू पावर एन, आर दी वैल्यू किन्नी है टू अपॉन थ्री इस दी पावर एन यानी कि पावर फाइव अपॉन वन माइनस टू अपॉन थ्री। सो इसनों आप सॉल्व कर लें फरदर, वन माइनस टू की पावर फाइव कि हों थर्टी टू ठीक है, एंड थ्री की पावर फाइव कि हों हों मे बी थ्री थ्री जा नाइन, नाइन नाइन जा एटी वन, सो ये हो जाएगा अपने को टू फोर थ्री ठीक है। ओके टू थ्री अपॉन इस माइनस कर दें ये कि हो जाएगा थ्री माइनस टू अपॉन थ्री। सो इस फर्दर सॉल्व करके अपने को आ जाएगा टू फोर्टी थ्री माइनस थर्टी टू, सो यही आ गया अपने को टू वन वन अपॉन टू फोर्टी थ्री डिवाइड के अपने को आएगा वन अपॉन थ्री। सो फर्दर अपने को रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होकर अपने को आंसर आ जाएगा टू वन वन अपॉन टू फोर्टी थ्री इंटू थ्री। सो यही अपने को हो जाएगा एटी वन, एंड अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा टू वन वन अपॉन एटी वन ठीक है। एंड अपने को फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, द फिफ्थ एट्थ एंड इलेवंथ टर्म ऑफ जी पी आर पी क्यू एंड एस। ओके शो दैट क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी एस, ये अपना शो करना यानी कि टू प्रूव। सो अपन गिवन की है सोल्यूशन आप लिखते हैं फिफ्थ टर्म यानी कि ए फाइव अपन दिती हुई है पी, उस तो बाद इस एट्थ अपन कि दिती हुई है क्यू, एंड उस तो बाद ए इलेवंथ कि दिती हुई है अपन एस ठीक है। सो जेकर आप इन्हों थोड़ा मोल्ड करके लिखिए किमें लिख सकते हैं, इसन ए फाइव में आप लिख सकते होंगे ए आर एज टू पावर फोर लिख सकते हैं ना, आ फॉर्मूला याद ही होना ए एन ए आर एन माइनस वन, इतने आप पुट करके देख लो फाइव वैल्यू तो यही बन जाएगी ठीक है। ओके सो यह इक्वल टू अपने को पी दे, एंड ए आर एज टू पावर सैवन अपने को इक्वल है क्यू दे, उस तो बाद ए आर एज टू पावर टेन किस दे इक्वल एस दे। ओके सो हुण आपां इदां करदे हां थोड़ा जिहा अपने टू प्रूफ नूं ध्यान च रखते हुए अगे वध चलते हैं। सो अपन की दिता हुआ पी एस राइट हैंड साइड, सो अपने को पी एस कि टर्म्स तो बनती है, इन्हों पहला वन टू का नाम दे दिए वन टू एंड थ्री, हाँ जी तो पी एस कि मल्टीप्लाई करके बनती है वन एंड थ्री, सो वन एंड थ्री मल्टीप्लाई कर दें अपने को आ जाएगा इतने एक बार लिख भी दिने मल्टीप्लाइंग वन एंड थ्री, सो वी गैट की मिल जाएगा अपन ए आर एज टू पावर फोर इंटू ए आर एज टू पावर टेन इज इक्वल्स टू पी एस ठीक है। एंड जेकर आप इसनों फर्दर मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा अपने को ए स्क्वेयर एंड आर एज टू पावर फोर्टीन इज इक्वल्स टू पी एस ठीक है। हाँ जी तो हम जेकर आप इसका थोड़ा जहा होर इस मोल्ड करके लिखना हो स्क्वेयर तो आर एज टू पावर फोर्टीन की लिख सकते हैं, आप इदा करते हैं स्क्वेयर कॉमन निकल रहा ना, सो इस स्क्वेयर कॉमन कर दें ए आर एज टू पावर सैवन सारे का आप होल स्क्वेयर, गल तो सेम ही है जो आप अंदर करा बन तो उपर वाली चीज ही जाएगी इज इक्वल टू पी एस। हाँ जी तो हम इस ध्यान न देखो आप लिख सकते हैं फ्रॉम टू ए आर एज टू पावर सैवन आप लिख सकते हैं क्यू, सो यह अपने को बन जाएगा फ्रॉम सैकेंड यह अपने को हो जाएगा क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस, सो यही आप प्रूव करना सी ठीक है। हैंस प्रूव क्लीयर। एंड लास्ट विच एक चीज़ होर हुण आपां होमवर्क अगे नालों थोड़ा जिहा वध करिया करांगे, सो अपने कोल फाइव क्वेश्चन तो ये दिते हुए आ इन्हां नूं तुसीं वीडियो नूं पॉज़ करके सॉल्व कर दिओ, एंड उस तो बाद छे क्वेश्चन ए वाले है ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन ही है आपां इन्हां दीआं टाइप्स ट्राई कीतीआं होईआं, सो इन्हां नूं तुसीं आप करना, एंड जो भी क्वेश्चन ना होए तुसीं मैनूं व्हाट्सएप कर दिओ ठीक है। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।